बीच देखिए कांग्रेस के कैंप से भी एक बड़ी खबर आ रही है। सीट बंटवारे को लेकर कांग्रेस आरजेडी आज की प्रस्तावित जो बैठक थी वो टल गई। इसी हफ्ते इंडिया गठबंधन की तरफ से भी सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। अब तक के फॉर्मूले के मुताबिक आरजेडी 28, कांग्रेस 9, वाम दल 3 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। पशुपति पारस, मुकेश सहनी इंडिया गठबंधन में आए तो समीकरण में थोड़ा बदलाव आ सकता है। देखिए आज दिन में खबर यह थी कि तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं और वो कांग्रेस के आला नेताओं से मुलाकात करेंगे बिहार में महागठबंधन में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर मुहर लगाने के लिए। जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इस वक्त मौजूद है। जैनेन्द्र, एनडीए ने जिस तरीके से सीट शेयरिंग फॉर्मूला सामने रख दिया है, क्या उसी की वजह से अब ये बैठक टली है? और मद्देनजर इन हालात के कि मुकेश सहनी, पशुपति पारस क्या महागठबंधन में एडजस्ट किए जा सकते हैं, इसी वजह से विचार के लिए और समय लिया गया? बिल्कुल, पशुपति पारस हो या मुकेश सहनी हो, सूत्रों का कहना है कि दोनों ही इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं। हालांकि दोनों ने ही अभी तक अपने पत्ते खुल करके जाहिर नहीं किए हैं। जहां तक बैठक के टलने का सवाल है रुमाना, तो उसका एनडीए के ऐलान से कोई लेना देना नहीं है। कल मुंबई में इंडिया गठबंधन की जो रैली हुई राहुल गांधी की यात्रा के समापन पर, वो काफी देर तक चली, देर शाम वो जाकर खत्म हुई। और इसी वजह से चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके आने में का जो कार्यक्रम था वो आज काफी विलंब हो गया। और इसी वजह से आज जो प्रस्तावित बैठक थी तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस लीडरशिप की यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की, वो टल गई है। सोर्सेज का कहना है कि जल्द ये बैठक होगी और इसके बाद औपचारिक ऐलान इसी हफ्ते इंडिया गठबंधन की तरफ से भी कर दिया जाएगा। ज्यादातर सीटों पर सहमति है कांग्रेस और आरजेडी के बीच। दो तीन ऐसी सीटें हैं जिस पर पेच फंसा हुआ है, वो कन्हैया कुमार की सीट है, पप्पू यादव की सीट है, मीरा कुमार अपने बेटे के लिए सीट मांग रही है वो सीट है। बड़ी खबर यह है कि कोसी इलाके से कांग्रेस को इस बार सुपौल सीट मिलने जा रही है और उस सीट से कांग्रेस एक युवा नेता को इस बार मौका देने जा रही है। तो बड़ी बात तो इसी हफ्ते गठबंधन मतलब महागठबंधन भी सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान कर देगा। जरा जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं, प्रकाश कुमार भी हमारे साथ मौजूद है। और प्रकाश, क्योंकि आप बिहार में मौजूद है, बिहार के सियासी गलियारों में चर्चा क्या है? पशुपति पारस महागठबंधन में शामिल होंगे क्या? देखिए, ये समझना, ये हर कोई समझ सकता है कि महागठबंधन में जाने के लिए उनका रास्ता क्लियर हो चुका है। और क्योंकि एनडीए में कोई सीट नहीं दी गई है, तो एक तरह से ये संकेत दे दिया गया है बीजेपी की तरफ से कि आप जो मंत्री बने हुए हैं, अब आगे जो आपको निर्णय लेना हो वो आपका खुद का निर्णय होगा। तो अब पशुपति पारस के पास दो रास्ते हैं, या तो अपनी पार्टी के साथ किसी गठबंधन में जाएँ, या फिर वो सिर्फ और सिर्फ अगर हाजीपुर से लड़ना चाहते हैं और किसी गठबंधन के बगैर लड़ना चाहते हैं जैसा कि उन्होंने ऐलान किया है, तो उस हिसाब से वो लड़े। तो अब ये देखना होगा कि पशुपति पारस क्या फैसला लेते हैं। क्या एनडीए से बाहर जाने के लिए वो कोई ऐलान करते हैं जैसा कि उन्होंने कहा था कि वो इंतज़ार करेंगे एनडीए में सीट शेयरिंग का, अगर उन्हें सम्मान नहीं मिलेगा तो फिर वो फैसला लेंगे। कुल मिलाकर फिलहाल की स्थिति तो ये है कि भतीजा जो है वो चाचा पर भारी पड़ा है, और ऐसे में क्या ये चाचा के चलने की बारी आ गई है, इसको लेकर जरा सा इंतजार करेंगे तो तस्वीर साफ होगी। फिलहाल सीट बंटवारा हो गया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।